हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माही स्पीक्स। आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर कैफ़े के बारे में। इनका टी कॉफ़ी बनाने का स्टाइल बहुत ही अलग है। ये टी इतनी आसानी से और टेस्टी बनाते हैं ना, आप एक बार पी लोगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। टी के साथ यहाँ पे आपको इनके साथ इडली वड़ा मिलेगी। इडली बहुत ही सॉफ्ट रहता है। इडली वड़ा, डोसा, डोसा पराठा, इनका पराठा मेकिंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। और जैसा मैंने बताया था, टी को क्या करते हैं, सबसे पहले ये टी बॉईल करते हैं। टी पाउडर के साथ बॉईल करके सबसे पहले वो ग्लास में डालते हैं। जैसे ही वो टी ग्लास में डालते हैं, उसके ऊपर से यहाँ पे दूध डालते हैं। ये इनका अलग स्टाइल है। ये बहुत ही इसको टेस्ट इस टी को बहुत ही टेस्टी बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये 10 ग्लास में उसने टी पाउडर डाला है, बॉईल किया हुआ टी पाउडर। अभी इसके साथ अभी इसके ऊपर दूध डालेगा ये, और जैसा ही ये दूध डालेगा इसका टेस्ट और ही बढ़िया हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बेंगलोर में बहुत सारे लोकेशंस पे सिंदूर कैफ़े करके आपको बहुत सारी जगहों पे आपको ये कॉफ़ी मिलेगा। इसका टेस्ट इसका सिर्फ 12 रुपीज़ का एक कप चाय का है। कॉफ़ी बनाने का भी स्टाइल भी सिमिलर ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर फिर से एक और बार वो गर्म टी पाउडर डालते हैं। टी किया हुआ, देखो ये इस टी का बहुत ही यूनिक बनाते हैं। अगर जब बेंगलोर आए तो ये टी को पी लेना। थैंक यू। The light's worth.